चलें जी। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कल हमने देखा था इम्यूनो डेफिशिएंसीज, तो वो कंप्लीट नहीं हुआ था, पार्ट वन था। आज इम्यूनो डेफिशिएंसीज का पार्ट टू देखते हैं, ठीक है। कल हमने कुछ डिजीज देखी थी, आज भी आगे देखते हैं। आज जो पहली डिजीज है वो है आपकी सिवियर कम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा आपकी जो इम्पोर्टेंट जो है इम्यूनो डेफिशिएंसी, जितनी भी हम पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? सिवियर कम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। उसके बाद कौन सी थी इंपॉर्टेंट, याद करें जरा। यहाँ पर हमने कौन सी पढ़ी थी? ये थाइमोकेप्लेशिया, ये दूसरे नंबर पर है। और ये हमने पढ़ी थी, ये वाली एक्स लिंक्ड ब्रूटन ए गेमोग्लोबिनीमिया, ये तीसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा कौन सी इंपॉर्टेंट है हमारे पास? सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, स्किड बोलते होते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्किड। तो ये स्किड, ये तो सुना हुआ होगा ना, स्किड, सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि याद करें कि एंटीजन, जब मैक्रोफेज जो है ना एंटीजन को इंगल्फ करता है, तो ये इंगल्फ करने के बाद यहाँ पर एमएससी क्लास टू के जरिए एक्सप्रेस करता था। जब वो एमएससी क्लास टू के जरिए एक्सप्रेस करता था, तो यहाँ पर आपका सीडी फोर पर उसको पकड़ता था। अगर एमएससी क्लास टू होगी तो सीडी फोर होगा। ये किसके जरिए उसको करता था? इंटरेक्ट टीसीआर के जरिए। और नीचे प्रोसेसिंग किसके जरिए होती थी? सी डी थ्री के जरिए। फिर ये भेजता था कि चेक करो कि आया उसने एंटीजन को प्रोसेस किया भी है कि नहीं किया। उसके लिए क्या भेजता था? सी डी फोर। फिर सेकेंड सिग्नल आता था यहाँ से बी सेवन, और यहाँ से सी डी ट्वेंटी एट। अगर ये वाला सेकेंड सिग्नल होता था तो ये सी डी फोर क्या बन जाता था? टी हेल्पर सेल टू। याद करें, फिर यहीं पर मैंने कहा था कि टी हेल्पर सेल टू जब बन जाता था तो यहाँ से एक एंजाइम निकलता था, सॉरी, एक यहाँ से कीमोकाइन निकलता था, इंटरल्यूकिन टू, और वो वापस आके इसी पे एक्ट करता था, याद है? और आके इसकी क्या कराता था? प्रोलिफरेशन। क्या कराता था? देखिए, डिफरेंशिएशन और प्रोलिफरेशन दो डिफरेंट अल्फाज है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? डिफरेंशिएशन का मतलब है कि वो या तो टी हेल्पर सेल टू बनेगा सेकेंड सिग्नल के बेस पर। अगर सेकेंड सिग्नल होगा इंटरल्यूकिन 12, तो वो टी हेल्पर सेल 1 बनेगा। ये होती है डिफरेंशिएशन, ठीक है। और प्रोलिफरेशन क्या होती है? कि ये सारा होने के बाद इंटरल्यूकिन 2 निकला, बना, और वापस इसी ने इसी के ऊपर एक्ट किया और इसकी क्या करा दी? प्रोलिफरेशन। तो ये याद रख लें कि प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन दो डिफरेंट चीजें हैं। अब टी सेल्स की प्रोलिफरेशन किसके जरिए हो रही है? इंटरल्यूकिन 2 के जरिए। तो इंटरल्यूकिन 2 जब वापस इसी पे आके एक्ट करता है, तो किसी ना किसी रिसेप्टर के जरिए करता होगा। इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पर। उन्हीं रिसेप्टर के जरिए जाके एक्ट करता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें यही आपका इंटरल्यूकिन 2 जो रिसेप्टर्स हैं, इनमें खराबी आ जाती है। ये इंटरल्यूकिन 2 जो रिसेप्टर्स हैं, इनमें डिफेक्ट आता है। जब इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर्स में डिफेक्ट आएगा, तो क्या इंटरल्यूकिन 2 इसके ऊपर एक्ट कर सकेगा? जब इंटरल्यूकिन 2 इसके ऊपर एक्ट नहीं कर सकेगा, तो क्या TH2 या TH1 प्रोलिफरेट कर पाएंगे? नहीं। तो वो प्रोलिफरेट नहीं करेंगे, नंबर में नहीं बढ़ेंगे, तो आपके टी सेल्स क्या रह जाएंगे? कम रह जाएंगे। समझ आ गई ये बात? इसको रिपीट करूं मैं, इसको एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। देखिए, वो कहता है एंटीजन जब इंटर होती है, तो हमारे मैक्रोफेज या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उसको एमएससी क्लास 2 के जरिए प्रेजेंट करता है। किसको? CD4 टी सेल्स को। TCR का इंट्रक्शन होता है, CD3 का इन्वॉल्वमेंट होती है, और ये CD4 भेजता है चेक करने के लिए कि आया आपने प्रोसेस भी किया है कि नहीं किया। फिर यहाँ से सेकंड सिग्नल आता था B7, और यहाँ से CD28। अगर ये सेकंड सिग्नल होता था तो आपका CD4 डिफरेंशिएट कर जाता था टी हेल्पर सेल 2 में, और अगर ये सेकंड सिग्नल होता इंटरल्यूकिन 12, तो फिर डिफरेंशिएट हो जाता था टी हेल्पर सेल 1 में। अब यहाँ से निकलेगा इंटरल्यूकिन 12 वापस इसी पे एक्ट करता है, लेकिन किसके जरिए? इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर के जरिए। अब इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर्स ही नहीं होंगे, तो क्या इंटरल्यूकिन 2 एक्ट कर पाएगा? नहीं। तो क्या ये प्रोलिफरेशन होगी? नहीं। तो टी सेल्स नंबर में क्या रह जाएंगे? कम रह जाएंगे। प्रोलिफरेशन में उनकी तादाद बढ़ती है ना, तो इस तरह वो कम रह जाएंगे। और ये जो इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर जो इनमें डिफेक्ट आता है, बेसिकली उनकी एक गैमा चेन होती है, उस गैमा चेन में डिफेक्ट आता है, ठीक है। उनकी गैमा चेन में, उनके जो रिसेप्टर्स हैं, उनकी गैमा चेन में डिफेक्ट आता है, तो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। समझ आ गई है? पक्की बात है। और ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है। क्या मतलब है एक्स लिंक्ड रिसेसिव का?
मतलब ये बॉयज में ज्यादा होगी, बॉयज में ज्यादा होगी। मैंने बताया था क्योंकि बॉयज में सिर्फ एक एक्स होता है, तो वही एक एक्स रिसेसिव हो जाए, खराब हो जाए तो डिजीज हो जाएगी। लेकिन फीमेल में दो एक्स होते हैं और डिजीज होने के लिए दोनों अलील को क्या होना पड़ेगा, रिसेसिव होना पड़ेगा दोनों अलील को। तो ये बॉयज में ज्यादा होती है। याद करने का यही नमूने का है, एक्स है तो मेल्स के लिए अट्रैक्टिव होगी, ठीक है, तो मेल्स को ये डिजीज ज्यादा होती है। समझ आ गई ये बात कि इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर किस तरह ये डिजीज का, ये सीवियर कंबाइंड स्किड में इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर्स में क्या खराबी होती है और किस तरह खराबी होती है। ठीक, समझ आ गया, क्लियर, साफ कर दो इसको। चलें जी, नेक्स्ट, इसकी ये एक रीजन नहीं होती, इसकी एक और रीजन भी होती है, वो भला कौन सी है, वो है एडिनोसिन डीमाइनेज डेफिशिएंसी। एडिनोसिन डीमाइनेज डेफिशिएंसी ये बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अभी हमने नहीं किया इसको, इसका रोल वहां पे प्रॉपरली है, यहाँ पर हम ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, एडिनोसिन डीमाइनेज एंजाइम होता है, कौन सा, एडिनोसिन डीमाइनेज। इस एंजाइम का काम होता है, जैसे कि नाम बता रहा है, डीमाइनेज, डी का मतलब होता है कमी करना, कम करना, अमाइनेज का मतलब होता है अमाइन ग्रुप, माइनेज का मतलब होता है अमाइन ग्रुप। तो ये जो एंजाइम होता है, ये आपकी जो एडिनोसिन नहीं होती, एडिनोसिन, एडिनोसिन का पता है, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होती है, तो एडिनोसिन जो न्यूक्लियोटाइड होता है आपका, उसके जो आपका वो होता है न्यूक्लियोसाइड होता है, उसके ऊपर से ये क्या रिमूव करती है, अमाइन ग्रुप रिमूव कर देती है, और अमाइन ग्रुप रिमूव करके इस एडिनोसिन को क्या करती है कि आपको बॉडी से एक्सक्रीट कराती है, ताकि ये बॉडी में जमा ना हो जाए और टॉक्सिक ना बने, ठीक है। एडिनोसिन की क्या कराती है, डी, ये एंजाइम एडिनोसिन की क्या कराता है, डीमाइनेशन, उसका अमाइन ग्रुप रिमूव करता है, अमाइन ग्रुप रिमूव करके उसको क्या करता है, एक्सक्रीट कर देता है, बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में, कैसे एक्सक्रीट करता है, कैसे उसकी डीमाइनेशन करता है। इतना सिंपल ये याद रखें कि ये क्या करता है, उसकी डीमाइनेशन करता है और डीमाइनेशन करके उसको एक्सक्रीट कर देता है। अगर ये एंजाइम हो ही ना, एडिनोसिन डीमाइनेज एंजाइम है ही नहीं, तो क्या इसकी डीमाइनेशन होगी, इसकी नहीं होगी, तो ये एक्सक्रीट होगा नहीं, बल्कि आपका एडिनोसिन क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा बॉडी में, क्या हो जाएगा, डिपोजिट, और ये डिपोजिट होता है डी ऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट की शक्ल में, इसकी शक्ल में। जब ये इकट्ठा हो जाएगा बॉडी में, तो जब ये ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा बॉडी में, डी ऑक्सी, अच्छा इसको डी ऑक्सी क्यों बोलेंगे, क्योंकि जब, चले इसको छोड़ा, इसको बायोकेमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, डी ऑक्सी भी सीधे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पहले तो ये डी ऑक्सी नहीं होता, फिर इसके कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन रिमूव कर दी जाती है, फिर इसको डी ऑक्सी बोला जाता है, कि ये अब डीएनए का हिस्सा है, आरएनए का हिस्सा नहीं रहा। तो ये इसको हम डिटेल में बायोकेमिस्ट्री में देखेंगे, बस अब यहाँ देखेंगे, जब एडिनोसिन डीमाइनेज एंजाइम नहीं होगा, तो एडिनोसिन की डीमाइनेशन नहीं होगी, एडिनोसिन जो है अकोमुलेट करेगा किसकी शक्ल में, डी ऑक्सी एटीपी की शक्ल में अकोमुलेट करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब ये इंक्रीज होता है, तो ये एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिसका नाम होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ एंजाइम, रिडक्टेज, ये एंजाइम, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा, तो बेसिकली ये एंजाइम जो है ना, आपके डीएनए फॉर्मेशन में काम आता है, किसमें, अगेन वही चीज, इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह ताला बायोकेम में पढ़ेंगे, ठीक है, डीनोवो प्यूरीन पेरिमिडीन सिंथेसिस पाथवे है, उसमें हम इसको पढ़ेंगे। अभी आप देख लेंगे, ये जो डी एटीपी इनहिबिट हुआ है, सॉरी एक्युमुलेट हुआ है, इसका काम है कि रेबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देना। अब जो रेबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम होता है, इसका काम होता है कि डीएनए की फॉर्मेशन में काम आता है, किसमें, डीएनए की फॉर्मेशन, और ये डीएनए की फॉर्मेशन किसकी होती है, बी सेल्स की और टी सेल्स की, बी सेल्स की और टी सेल्स की। अब हो क्या रहा है, सारा प्रोसेस हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपके एडिनोसिन की हो गया डेफिशिएंसी, सॉरी एडिनोसिन डीमाइनेज एंजाइम की हो गया डेफिशिएंसी, तो क्या ये डीमाइनेशन होगी, नहीं होगी, एक्सक्रीशन होगी, नहीं होगी, मतलब एडिनोसिन अकोमुलेट करेगा बॉडी में, किस शक्ल में, किस शक्ल में, डी ऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट की शक्ल में। जब ये अकोमुलेट करेगा, तो ये रेबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, ये एंजाइम अपना काम नहीं करेगा। जब ये एंजाइम अपना काम नहीं करेगा, तो बी सेल्स और टी सेल्स अपना डीएनए नहीं बना सकेंगे, क्योंकि इसका काम क्या है, रेबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज का, कि डीएनए की सिंथेसिस कराना। तो क्या बी सेल्स और टी सेल्स के अंदर डीएनए बनेगा, अब नहीं बनेगा, क्योंकि ये एंजाइम इनहिबिट हो चुका है। जब ये इनहिबिट हो चुका है, तो डीएनए
नहीं बनेगा। जब डीएनए नहीं बनेगा तो क्या बी और टी सेल सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बी और टी सेल्स ही नहीं बनेंगे तो आपके बी और टी सेल्स की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी। आई होप सो दैट कि ये आपको समझ आ गया होगा कि एडिनोसिन डी माइनस का रोल यहाँ पे क्या होता है, उसकी डेफिशिएंसी ये में क्यों होती है, या दोबारा रिपीट करने की जरूरत है? ठीक है, तो देखें यहां से वो कहता है एडिनोसिन डी माइनस डेफिशिएंसी और ये ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। ठीक है, अच्छा ये क्या होती है? अब जो हमने कल डिजीज पढ़ी थी, पहले पढ़ी थी टी सेल्स की डेफिशिएंसी हो रही थी, फिर बी सेल्स की, ये जो स्किड होती है इसमें दोनों की डेफिशिएंसी होती है, बी सेल की भी और टी सेल की भी। ऊपर हमने देखा उसमें टी सेल की डेफिशिएंसी हो रही थी, वो इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर्स वाली, ये वाली। अब किसकी हो रही है? अब दोनों की हो रही है, बी सेल्स और टी सेल्स दोनों की। अच्छा इसमें एक और मैकेनिज्म होता है रैग म्यूटेशन। रैग एंजाइम किसको याद है? वीडीजे सेगमेंट में हमने पढ़ा था, वीडीजे सेगमेंट में हमने पढ़ा था रैग एंजाइम, RSS रिकॉम्बिनेशन सिग्नल सीक्वेंस, 1222 बेस पेयर रूल। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? चले, हमने कहा था ना कि रैग म्यूटेशन वीडीजी में वी सेगमेंट होता था, डी सेगमेंट, जे सेगमेंट, कि इनमें से कोई एक सेगमेंट उठाएगा, इनमें से भी कोई एक सेगमेंट, इनमें से भी कोई एक सेगमेंट, वो उठा के इनको इकट्ठे जोड़ता था, याद है? वो रैग एंजाइम जोड़ता था RSS सिग्नल को। डॉक्टर हमजा कुछ आ रहा है कि ऊपर ही गुजर रहा है? ऊपर ही गुजर रहा है। चले मैं करता हूं, देखें हमने कहा था कि ये V कितने होते हैं, तकरीबन 45 होते हैं नंबर में, कितने होते हैं 45, और ये D23 होते हैं और ये J6 होते हैं नंबर में, यानी J1 J2 J3 याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हमने कहा था रैग इंजाइम आता है, रैग इंजाइम, ये इंजाइम क्या करता है, इनमें से किसी एक को उठा लेता है, इनमें से भी किसी एक को, इनमें से या तो V1 को उठा लेगा या V2 को या V3 को, इनमें से भी किसी एक को उठा लेगा, इनमें से भी किसी एक को, और इनको आपस में इकट्ठे मिला देता है ऐसे, ये इकट्ठे मिला देता है ऐसे, तो ये रैग एंजाइम यहाँ पे VDJ में काम आता है। ठीक है, तो ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो समझ आ गया? पहले मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ, इसीलिए डिटेल में नहीं पढ़ा। तो रैग म्यूटेशन, अगर ये रैग म्यूटेशन होगी या आपका रैग एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या ये जो इकट्ठे आपस में मिल रहे हैं ये सही तरह से मिल पाएंगे, इकट्ठे हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। ये जब इकट्ठे नहीं हो पाएंगे तो आपके रिकम्बिनेशन में डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, रिकम्बिनेशन ये होता है कि यहां से कभी V1 उठा लिया, कभी यहां से D3 उठा लिया, कभी J4 उठा लिया, ये एक बन गया, फिर अगली बारी यहां से V4 उठा लिया, यहां से D2 उठा लिया, यहां से J3, मतलब ये रिकम्बिनेशन करते रहते हैं, कभी क्या उठा लिया कभी क्या। जब आपका रैग ही काम नहीं कर रहा है तो क्या ये रिकम्बिनेशन होगी? नहीं होगी। और ये VDJ क्या होता है, कहां पढ़ा था हमने, किसकी सेंथेसिस में? एंटीबॉडी की सेंथेसिस में, याद है? सॉरी, एंटीबॉडी की सिंथेसिस में हमने पढ़ा था इसको। जब आपका वीडीजे ही नहीं बनेगा, मतलब आपकी एंटीबॉडीज नहीं बन रही, एंटीबॉडीज कहां से बनती हैं? बी सेल से। कहां से? बी सेल से। मतलब आपको बी सेल्स का क्या हो रहा है? डिसऑर्डर हो रहा है। तो ये स्किड में इसीलिए इन्वॉल्व होता है। समझ आ गया? ये तीनों चीजें समझ आ गई है कि इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर्स, एडिनोसिन डी माइनस डेफिशिएंसी और रैग एंजाइम की रिकम्बिनेशन। समझ आ गई है? पक्की बात है? फिर रह गया क्वेश्चन तो बताएं, क्वेश्चन रह गया तो बताएं। अच्छा उसके बाद ये कहता है एमएससी क्लास, ये पैथुमा की बुक में लिखा हुआ है कि एमएससी क्लास 2 भी इसमें सही तरह से एक्सप्रेस नहीं होती, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बस देख लें। एमएससी क्लास 2 भी, ये हमने कहा था ना ये होता है, यहां से एमएससी क्लास 2 एक्सप्रेस होती है आपके मैक्रोफेज से, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। फिर इसको कौन पकड़ता है? CD4 कौन पकड़ता है? तो वो कहते हैं ये एमएससी क्लास 2 ही एक्सप्रेस नहीं होती। जब एमएससी क्लास 2 एक्सप्रेस नहीं होती तो क्या टी सेल्स एक्टिव होंगे, ये प्रोलिफरेट होंगे? नहीं, तो इनमें क्या आ जाती है? डेफिशिएंसी आ जाती है। समझ आ गया? समझ आ गया डॉक्टर हजरत? गुड डॉक्टर जुबैर, आप ही रिस्पॉन्स करते हैं। चलें जी, इसके प्रेजेंटेशन क्या होंगे इसकी? फेलियर टू थ्राइव, बच्चा जो है ना वो ग्रोथ उसकी सही तरह से प्रॉपर नहीं होगी, वो सही तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा। क्रोनिक डायरिया, डायरिया होगा, क्यों डायरिया क्यों होगा, डायरिया क्यों होगा, डायरिया क्यों होगा? क्योंकि बी सेल्स नहीं बन रहे, बी सेल्स नहीं बन रहे तो एंटीबॉडी IgA बनेगी, नहीं बनेगी तो IgA यहाँ पे लाइन नहीं कर पाएगी, जब IgA लाइन नहीं कर पाएगी तो यहाँ पर इन्फेक्शन होगी GLDSS की, आपको डायरिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थ्रश होगा, ओरल थ्रश होगा आपको। ठीक है, आपको ओरल, अब थ्रश के लिए मुझे आई होप आपको पता होगा थ्रश क्या होता है, थ्रश के लिए मैं कौन सा वर्ड यूज करूँ दूसरा मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको ओरल थ्रश होता है। ठीक है, पता है ओरल थ्रश का है? मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कौन सा वर्ड, मतलब आपको आपका गला खराब हो जाता है। ठीक है,
बस ये हम कहते हैं ना, दवाई दूं, सिरप दूं, गला खराब हो जाए। तो रिकरेंट वायरल, जब वायरस को कौन कंट्रोल करता है? टीवी, याद है? टीवी, ये टी सेल्स वायरस को कंट्रोल करते हैं। जब टी सेल्स की डिसऑर्डर्स है तो वायरल इंफेक्शन होंगे। और बैक्टीरिया को कौन कंट्रोल करता था? बी बी, जब बैक्टीरिया, जब बी सेल्स ही नहीं है तो बैक्टीरियल इंफेक्शन हो गए, फंगल इंफेक्शन हो गए, प्रोटोजोअल इंफेक्शन भी हो गए। ठीक है, उसके बाद ये होता है कि डिक्रीज टी सेल रिसेप्टर एक्सट्रीजन सर्कल TRPCS। ये पता क्या होता है? ये जब बच्चा पैदा हो गया ना, तो बच्चे को डिजीज नहीं हो रहा, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा, तो हमें नहीं पता कि बच्चे को ये डिजीज है। तो उसके अंदर, बच्चे के अंदर जो टी सेल्स हैं वो मम्मा के हैं, इन्फेंट के अंदर वो जो टी सेल्स हैं वो मम्मा के हैं या बच्चे के अपने हैं। ठीक है, तो हमने देखना है कि उसको ये डिजीज तो नहीं है। तो हम ये टेस्ट करते हैं, ये वाला टी सेल रिसेप्टर एक्सट्रीजन सर्कल्स, ये डीएनए के पार्ट्स होते हैं बेसिकली, छोटे छोटे। अगर ये जो बच्चा है उसके अंदर पाए जाए ये पार्ट्स, ये TRECS, तो इसका मतलब है कि बच्चा जो है ना अपने टी सेल्स बना रहा है, बच्चा अपने टी सेल्स बना रहा है, और इसको ये डिजीज नहीं है, ये डिजीज नहीं है। और अगर ये कम है, ये नहीं है, तो इसका मतलब है उसके पास जो टी सेल्स हैं वो किसके हैं? वो मम्मा के हैं, बच्चा अपने टी सेल्स नहीं बना रहा। तो ये टेस्ट हम करवाएंगे, टी सेल रिसेप्टर एक्सट्रीजन सर्कल्स, ये डीएनए के पार्टिकल्स होते हैं। अगर ये कम आ रहे हैं, ये कम आ रहे हैं, मतलब बच्चा जो है ना अपने टी सेल्स नहीं बना रहा, उसके अंदर जो टी सेल्स हैं वो मम्मा के हैं, और बच्चे को क्या है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी है। नहीं समझे? नहीं समझे? समझ आ गए? खैर, समझ तो मेनू भी नहीं आई। जस्ट किडिंग। समझ आ गई है? समझ आ गई है? पक्की बात है यार? रिपीट करूं मैं इसको? रिपीट करूं? चले जी, आगे देखते हैं। एब्सेंस ऑफ थाइमिक शेडो, जो शेडो होगा वो क्या होगा? एब्सेंस। क्यों? क्योंकि टी सेल्स ही नहीं बन रहे। जब टी सेल्स नहीं बन रहे तो ये शेडो एब्सेंस होगा। और जर्मिनल सेंटर्स, जो जर्मिनल सेंटर्स नहीं होंगे। जर्मिनल सेंटर्स क्या होते हैं? जर्मिनल सेंटर्स हैं कॉर्टेक्स में फोलिकल्स होते हैं, प्राइमरी फोलिकल्स और सेकेंडरी फोलिकल्स। जो सेकेंडरी फोलिकल्स होते थे वो अंदर से क्या होते थे? जर्मिनल सेंटर्स, मतलब अंदर से वो उसके अंदर एक्टिव बी सेल्स होते थे। यहां पर बी सेल्स है ही नहीं, तो जर्मिनल सेंटर्स भी नहीं होंगे। ठीक है, जर्मिनल सेंटर्स भी नहीं होंगे। उसके अलावा लेम्फ नोड बायोप्सी, बायोप्सी क्या होती है? बायोप्सी क्या होती है? ऐसे डॉक्टर आपको पता होना चाहिए बायोप्सी क्या होती है। एक टेक्निक होती है, ये हम टिश्यू को ले लेते हैं किसी भी जिस्म के, जिस्म था ना, टिश्यू अलग करके उसका मुआयना वगैरह करना बायोप्सी होती है। डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे। तो लेफ्ट नोड की जब बायोप्सी करते हैं तो उसमें हमें दिखता है कि जर्म लाइन सेंटर, जर्मिनल सेंटर्स नहीं है उसके सेकेंडरी फोलिकल्स में, एंड क्योंकि बी सेल्स नहीं है, एंड टी सेल्स, और टी सेल्स भी कम है। ठीक है, उनका भी डिसऑर्डर है। ये फ्लो साइटोमेट्री, इसका पता है? फ्लो साइटोमेट्री ये बायोकेम की टेक्निक है। इसमें हम काउंटिंग करते हैं सेल्स की, CD4 सेल्स कितने हैं, CD8 सेल्स कितने हैं, टी सेल्स कितने हैं, बी सेल्स कितने हैं हमारी बॉडी में, इनको भी हम बायोकेमिकल डिटेल में हम देखेंगे। सो आई होप सो दैट कि आपको ये सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी समझ आ गया होगा। ठीक है, मैंने इसको बार बार पढ़ा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है थायमिक एप्लेशिया, उसके बाद है आपका ब्रूटन कैनेज डेफिशिएंसी, वो इंपॉर्टेंट है आपका। समझ आ गया? आगे बढ़े हैं कि नहीं? बढ़ना ही पड़ेगा भले आप लोग कहें या ना कहें। हैं इटैक्सिया टेलेंजेक्टेजिया, इटैक्सिया टेलेंजेक्टेजिया, ये क्या होता है? ये आपका एक जीन होता है, डिफेक्ट इन एटीएम जीन। अच्छा, पहले समझा देता हूँ डायग्राम से कि आपका एक एटीएम जीन होता है, जैसे एटीएम आपका कार्ड होता है, तो एटीएम जीन होता है। एटीएम, अच्छा इधर देखें, एटीएम जीन को भूल जाए। देखिए, आपका ये सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल में माइटोसिस होती है, याद है? और एक होता है इंटरफेज, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। जे ऐसे होता है। ये सिंपल से कंसेप्ट है। देखिए, आपकी जो सेल डिवीजन होती है ना, उसके दो हिस्से होते हैं। एक होती है उसकी, एक क्या होती है उसकी? माइटोसिस। और एक ये यहां से लेकर यहां तक इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज में सेल खुद को प्रिपेयर करता है। ठीक है, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे बायोकेम में, आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं सही तरह से। ये माइटोसिस में अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती, तो इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बाकी आप ये देख लें कि इंटरफेज में सेल खुद को तैयार करता है कि मैंने आगे सेल डिवाइड करना है मैंने। ठीक है, और माइटोसिस में फिर वो डिवाइड करता है। तो ये G1 फेज, S फेज, ये अलग अलग फेजेस होते हैं। ठीक है, तो अगर हो जाए म्यूटेशन, यहाँ पर क्या हो जाए? म्यूटेशन। तो ये एटीएम जीन यहाँ पे इंतजार में बैठा होता है, वो कहता है कि अगर यहाँ पे हो गया म्यूटेशन तो सेल डिवीजन को रोक दो, सेल डिवीजन को रोक दो, ताकि सेल डिवाइड ना हो, क्योंकि म्यूटेशन कैंसर कर सकती है।
अगर यहाँ पे हो गया म्यूटेशन और अगर मैं इसको आगे जाने दे तो सेल जो माइटोसिस होगी डिवाइड करेगा वो, तो उसमें क्या हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगी, कैंसर सेल पैदा हो जाएंगे। तो ये कहते हैं कि जो म्यूटेशन हैं उनको आगे नहीं जाने देना और सेल साइकिल को भी आगे नहीं जाने देना, सेल को डिवाइड नहीं होने देना, ये एटीएम जीन कहता है। लेकिन अगर आपका एटीएम जीन हो गया खराब तो जब इधर म्यूटेशन होंगी जी वन फेज में तो ये तो आराम से आगे चला जाएगा, म्यूटेशन आगे चली जाएंगी, म्यूटेशन रिपीट होंगी, उनकी डिवीजन होगी तो म्यूटेटेड सेल्स यानी कैंसर सेल्स क्या हो जाएंगे, कैंसर सेल्स क्या हो जाएंगे, बार बार डिवाइड होंगे तो कैंसर सेल्स बन जाएंगे आपकी बॉडी में। तो ये एटीएम जीन का डिफेक्ट होता है। एटीएम जीन यहाँ पे एज ए निगरान बैठा हुआ है, हाँ तुम यहाँ से गुजर के दिखाओ, अगर तुम ठीक नहीं हो तो तुम यहाँ से नहीं गुजर सकते, अगर तुम ठीक हो तो तुम यहाँ से गुजर सकते हो, अगर ये ठीक होगा तो आगे जाएगा, ठीक नहीं होगा तो ये नहीं गुजरने देगा। अब बेचारा चौकीदार ही नहीं है तो जो मर्जी है करो, जो चीज अंदर लेके जाओ, म्यूटेटेड हो जो भी हो, हैं डॉक्टर यहाँ असला भी लेके आओ आप, हैं जो भी करना है आप कर लो, तो यही चीज है वो अपनी मर्जी पर करते हैं। तो इसमें क्या होता है, रीडिंग करते हैं, समझ आ गया ये एटीएम जीन में डिफेक्ट होता है। अच्छा अगर यहाँ पे म्यूटेशन हो जाए ना यहाँ पे, तो इन म्यूटेशन को रिपेयर भी करता है आपका एटीएम जीन, कि ये डीएनए के बेसिकली हो रहा होगा ना सारा प्रोसेस, डीएनए डिवाइड हो रहा होता है, और अगर डीएनए में कोई डैमेज हो गया, ठीक है डीएनए में क्या हो गया, डैमेज हो गया है, म्यूटेशन हो गई है, तो ये एटीएम सिर्फ उसको रोकता नहीं है आगे जाने से बल्कि उसको रिपेयर भी करता है। क्या करता है, उस डीएनए को रिपेयर भी करता है, उसमें कोई डैमेज आ गया तो उसको क्या करेगा, रिपेयर। ये डीएनए डैमेज रिपेयर क्या होता है, अगेन वी विल टॉक अबाउट इट इन द बायोकेमिस्ट्री इन डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें कि ये उसको डैमेज भी उसका देखता है, उस डैमेज को रिपेयर भी करता है, और अगर डैमेज है तो उसको आगे नहीं जाने देता। लेकिन अगर डिफेक्ट होगा तो फेलियर टू डिफेक्ट डीएनए डैमेज, तो वो अब डीएनए डैमेज को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। फेलियर टू हाल्ट प्रोग्रेशन ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल को जो आगे जाने से वो रोकता है वो उसको रोक नहीं पाएगा। म्यूटेशंस अकुमुलेट, म्यूटेशंस इकट्ठी हो जाएंगी, ऑटोसोमल रिसेसिव होगी, बहुत ज्यादा म्यूटेशंस हो जाएंगी, ठीक है। समझ आ गई ये लाइंस, या मैं रिपीट करूं इसको, डॉक्टर हमजा आ गया समझ। चले जी, इसको याद करने का ट्राइएड होता है, इटैक्सिया, इसके नाम से हम याद रखेंगे, इटैक्सिया टेलेंजेक्टेसिया। इसमें क्या होता है, ट्राइएड होते हैं, मतलब क्या, पहली चीज होती है कि सेरिबुलर डिफेक्ट्स होते हैं, सेरिबुलर डिफेक्ट्स मतलब इटैक्सिया होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब आपकी जो नर्व्स होती हैं, वो थोड़ी सी डीजेनरेट होना शुरू हो जाती है। तो इटैक्सिया क्या होता है, इटैक्सिया, आपको इटैक्सिया हो जाता है, इसमें सेरिब्रल डिफेक्ट्स हो जाते हैं। इटैक्सिया क्या होता है, आपकी स्टम्बलिंग होती है, आपकी स्पीच जो है ना आप प्रॉपर तौर पर नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, स्टम्बलिंग होती है। क्या होती है, स्टम्बलिंग होती है आपको, आपको फॉलिंग होती है चलते हुए, आपको क्या होती है, फॉलिंग होती है, आपको इनकोऑर्डिनेशन होती है, इनकोऑर्डिनेशन होती है, आपको आपको इम्बैलेंस होगा, आपको क्या होगा, इम्बैलेंस होगा। तो ये सारा क्या, इटैक्सिया है, मतलब आप सेरिबलम सही तरह से काम नहीं करेगा। सेरिबलम का काम क्या होता है ब्रेन में, कि आपको बैलेंस करना, आपको कोऑर्डिनेट करना, कि यहाँ पे इस सिम्पटम में आपने चलना है, आपको चक्कर वगैरह वो चीजें नहीं आती। लेकिन अगर वो आप प्रॉपर तौर पर स्पीच नहीं कर पाएंगे, आपको स्टम्बलिंग होगी, आपको फॉलिंग होगी, आप गिरने लगेंगे, आपको इनकोऑर्डिनेशन होगी, आप अपना बैलेंस नहीं संभाल पाएंगे, वही इनकोऑर्डिनेशन, इम्बैलेंस होंगी आपको, तो ये सेरिब्रल डिफेक्ट्स या फिर ये इटैक्सिया होता है, ठीक है। तो ये सारे आपको सिम्पटम शो हो रहे होंगे, इटैक्सिया हो रहा होगा, इटैक्सिया टेलेंजेक्टेसिया। और टेलेंजेक्टेसिया क्या होता है, टेलेंजेक्टेसिया क्या होता है, टेलेंजेक्टेसिया ये होता है कि आपको स्पाइडर एंजियोमास बन जाएंगे, स्पाइडर एंजियोमास, ये देखें आपकी स्किन पे ना, ये देखें आपके जो वेसल्स हैं उनकी एक्सप्रेशन हो रही होगी आपकी स्किन पे, क्या हो रही होगी, आपके पेशेंट आपके पास आएगा, वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे स्टम्बलिंग हो रही है, फॉलिंग हो रही है, मैं सही तरह से बोल नहीं पाता, इनकोऑर्डिनेशन, मेरा बैलेंस मैं मेंटेन नहीं कर पाता, चक्कर से आते हैं, मैं गिरने से लगता हूं। और डॉक्टर कहेगा मैं जरा आपका इंस्पेक्शन कर लूं, वो देखेगा उसकी स्किन पे तो उसको क्या नजर आएंगे, ये टेलेंजेक्टेसिया, ये स्पाइडर की तरह, स्पाइडर होता है ना उसकी तरह के, उसकी स्किन के ऊपर वेसल्स बाहर निकली हुई नजर आएंगे, एक्सप्रेसिव वेसल्स एक्सप्रेस हो रही होंगी उसकी, उसकी स्किन के ऊपर वेसल्स एक्सप्रेस हो रही होंगी, इसे बोलते हैं स्पाइडर एंजियोमास, टेलेंजेक्टेसिया। उसके अलावा आईजीए की डेफिशिएंसी हो जाएगी, आईजीए की डेफिशिएंसी इसी पेशेंट को होगी, आप कंफर्म करने के लिए उसका आईजीए टेस्ट कराएंगे तो उसको आईजीए क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। तो ये सारी चीजें उसी को होंगी। अच्छा एक और चीज उसको होगी, क्या होगी कि इंक्रीज सेंसिटिविटी टू रेडिएशन, लिमिट एक्सरे एक्सपोजर। अगर हम उसको एक्सरे का रेडिएशन उसको हम दिखाते हैं, एक्सरे एक्सपोजर कराते हैं, तो सेंसिटिविटी भी उसी को होगी, क्यों, क्योंकि उसको पहले से ये प्रॉब्लम हुआ पड़ा है यहाँ पर, तो उसको भी यही मसला होगा कि क्या होगा वहां पर, उसको उससे मतलब सेंसिटिविटी सी हो जाएगी, उसको तकलीफ सी होने लगेगी रेडिएशन से और एक्सरे के एक्सपोजर पर। तो इसकी सिम्टम्स समझ आ गई है, पक्की बात है।
चले नेक्स्ट हमारा है कि हाँ इसकी आप फाइंडिंग्स देखिए, फाइंडिंग्स में क्या है कि आपका इंक्रीज एएफपी इंक्रीज हो जाएगा। एएफपी होता है आपका अल्फा फीटो प्रोटीन होती है, ठीक है। ये प्रोटीन हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, जो देखें क्या होता है ये अल्फा फीटो प्रोटीन, फीटो प्रोटीन, ये प्रोटीन चेक करती है कि जब डेवलपमेंट हो रही है इन्फेंट की, क्या हो रही है डेवलपमेंट हो रही है, तो उसकी डेवलपमेंट में जो बर्थ डिफेक्ट्स है, बर्थ डिफेक्ट्स तो नहीं हो रहे उसमें, कौन कौन से बर्थ डिफेक्ट्स हो रहे हैं, ये चीज हम इसकी मदद से देखिए टेस्ट होता है, अल्फा फेटोप्रोटीन टेस्ट होता है। इस टेस्ट के जरिए हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट हो रही है बच्चे की उसमें कोई बर्थ डिफेक्ट्स तो नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये उसका बढ़ा हुआ होगा क्यों, क्योंकि उसमें बर्थ डिफेक्ट्स हो रहे होंगे, क्योंकि उसमें क्या है इटैक्सिया टेलेंजिएक्टेजिया है, उसमें ये एटीएम जीन खराब है, तो उसमें ये सारे डिफेक्ट्स हो रहे होंगे, तो ये उसका एएफपी टेस्ट बढ़ा हुआ होगा। उसमें आईजीए की डेफिशिएंसी होगी, ये आईजीए उसी का काम होगा, आईजीजी उसी का काम होगा, आईजीई उसी का काम होगा। एज, एज से याद रखें, एज से, एज से कहते हैं एज कम है, वो कहते हैं ना कि फीमेल से एज और मेल से उसकी सैलरी ना पूछी जाए, हैं यंग जो फीमेल होती है उससे पूछी जाए उसकी एज, और जो मेल जिसकी सैलरी ज्यादा उससे पूछी जाए, तो वैसे कहते हैं कि फीमेल से उसकी एज ना पूछी जाए और मेल से उसकी सैलरी ना पूछी जाए। तो आपने जो है ना एज नहीं पूछनी फीमेल से, अगर एज पूछेंगे तो आपको अपनी एज कम बताएंगे, ठीक है। तो आई जी ए, आई जी जी और आई जी ई क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा लैम्फोपिनिया होगा, लैम्फोपिनिया मतलब आपके जो लैम्फोसाइट्स है वो नंबर में क्या होंगे, कम होंगे, लैम्फोपिनिया डॉक्टर यान कम होंगे। सेरेब्रल एट्रॉफी होगी, वही चीज बताई है कि आपकी डीजनरेशन हो जाएगी आपकी नर्व्स की, ठीक है, वही जो इटैक्सिया आपको इटैक्सिया वगैरह की कंडीशन होगी। रिस्क ऑफ लैम्फोमा, आपको ये जो कैंसर है ट्यूमर है लैम्फोसाइट्स के वो आपको बढ़ जाएंगे। एंड ल्यूकीमिया, ये जो बोन मैरो थाइमस है वहां पे जो जहां पे ये ल्यूकोसाइट्स की सिंथेसिस और मैचुरेशन होती है वहां पे आपको कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे, उनका रिस्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया, ये समझ आ गया आपको इटैक्सिया टेलेंजिएक्टेजिया है। चले आगे बढ़ते हैं, अगला है हाइपर आईजीएम सिंड्रोम, हाइपर आईजीएम सिंड्रोम, ये आसान सा है, सिंपल सा है, मैं एक मिनट देख लूं इटैक्सिया में, इटैक्सिया टेलेंजिएक्टेजिया में आपकी कोई चीज रह ना गई हो है? आई होप सो दैट कि सारी चीजें कवर हो गई है। अब हम देखते हैं कि हाइपर हाइपर आईजीएम सिंड्रोम इसमें क्या होता है, हाइपर आईजीएम सिंड्रोम क्या होता है, इसमें ये होता है कि याद करें कि जब बी सेल्स एक्टिव होते थे तो बी सेल्स के ऊपर हम कहते थे कि ये पॉलीसेक्राइड लेता था पहले सिग्नल के तौर पर, ठीक है, ऊपर से कोई पॉलीसेक्राइड आया, क्या बी सेल्स को प्रोटीन एक्टिव कर सकती है प्रोटीन एंटीजन, नहीं, उसको टी सेल्स, वो टी सेल्स को एक्टिव करती है, एमएससी क्लास के जरिए प्रोटीन एक्सप्रेस होती थी। पॉलीसेक्राइड्स को कौन एक्सप्रेस, पॉलीसेक्राइड्स के जरिए कौन एक्सप्रेस होता था, बी सेल्स, तो बी सेल्स कौन सी क्लास शो करते थे फिर, एमएससी क्लास टू, इधर से टी हेल्पर सेल टू होते थे, ये इसको किसके जरिए लेते थे, टीसी आर और सीडी थ्री के जरिए, और सीडी फोर भेजते थे चेक करने के लिए कि आया प्रोसेस भी किया है कि नहीं किया। फिर इसका सेकेंड सिग्नल क्या होता था, यहां से आता था सीडी फोर्टी लिगेंड और यहां से आता था सीडी फोर्टी रिसेप्टर, याद है सीडी फोर्टी रिसेप्टर, तो यहां पर इसके सीडी फोर्टी लिगेंड जो है ना इसमें डिफेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा जब यह सेकेंड सिग्नल हो जाता था तो डॉक्टर हमजा फिर क्या होता था, आपका टी हेल्पर सेल 2 क्या सीक्रेट करता था, इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5, तो 4GE और 5 से उल्टा दिल, क्लास स्विचिंग हो जाती थी ना, क्लास स्विचिंग कैसे होती थी कि आपकी बी सेल के ऊपर कौन सी लगी है IgM, अब IgM से या तो बन जाएगी IgG या IgE या फिर IgA, यही बात है ना डॉक्टर हमजा, रिपीट करूं इसको, कर देता हूं मैं रिपीट, देखें बात बेसिकली क्या होती है, बात यह है, असल में बात यह है जो इसके पीछे छुपी हुई है, वो कहता है कि जब बी सेल्स एक्टिवेट होते थे तो पहले पॉलीसेक्राइड सिग्नल ऊपर से ये लेते थे, तो पॉलीसेक्राइड सिग्नल लेके इसको अंदर से प्रोसेस किया, प्रोसेस करके एमएससी क्लास 2 के जरिए एक्सप्रेस करते थे, और इस एमएससी क्लास 2 को आपके टी हेल्पर सेल 2, टीसीआर और सीडी 3 के जरिए इंटरेक्ट करते थे, फिर सीडी 4 भेजते थे कि आया बी सेल ने इसको प्रोसेस भी किया है कि नहीं किया, फिर सेकेंड सिग्नल आता था इधर से सीडी 40 लिगेंड और इधर से सीडी 40 रिसेप्टर, सेकेंड सिग्नल के बाद आपके टी हेल्पर सेल 2 से सीक्रेट होते थे इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5,
अगर इंटरल्यूकिन 4 होगा तो IgM चेंज हो जाएगा 4GE में, IgG और IgE में। अगर आपका इंटरल्यूकिन 5 सीक्रेट होता था तो फिर आपका IgM बन जाता था IgA, क्लास स्विचिंग होती थी। लेकिन अब यहां पर मसला है, क्या मसला है कि आपका CD40 लिगेंड नहीं है, तो मतलब सेकंड सिग्नल नहीं है। जब सेकंड सिग्नल नहीं होगा तो इंटरल्यूकिन 4 या इंटरल्यूकिन 5 बनेगा, नहीं बनेगा, तो क्या ये क्लास स्विचिंग होगी, नहीं होगी। तो मतलब आपका IgM या तो नॉर्मल होगा या फिर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन क्या IgG, IgE और IgA बनेगा, नहीं बनेगा, क्लास स्विचिंग ही नहीं हो रही। समझ आ गया, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, रिपीट करो एक बार ये आखिर में, समझ आ गया, पक्की बात है। तो जब क्लास स्विचिंग ही नहीं होगी तो IgM इधर जाएगा, शिफ्ट होगा, तो मतलब IgM जब आगे चेंज नहीं हो रहा तो मतलब IgM बढ़ जाएगा, IgM बढ़ जाएगा, और ये बन ही नहीं रहे तो इनका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये होती है हाइपर IgM सिंड्रोम। आई होप सो दैट के आपको समझ आ गया होगा, आ गया समझ। चलो इसकी रीडिंग करते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं हाइपर IgM सिंड्रोम की। मोस्ट कॉमनली ड्यू टू डिफेक्टिव CD40 लिगेंड, ठीक है, एंटी हेल्पर सेल क्लास स्विचिंग डिफेक्ट होगा तो ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है, ठीक है। अब समझ आ गई लाइन जो लिखी हुई है इसकी, डॉक्टर मुस्तफा आगे समझ, डॉक्टर तहरीम, डॉक्टर यान एडवांस में कहते हैं समझ आ। चलें जी, पूछा ही नहीं है डॉक्टर यान का जो है ना, ये है ये मसला, रात गई बात गई कहे मैम। चलें जी, सीवियर पायोजेनिक इन्फेक्शन होंगे आपको, ठीक है। आपको पायोजेनिक इन्फेक्शन कौन से होते हैं जिसमें पस फॉर्मेशन होती है, वो पायोजेनिक इन्फेक्शन ये आपको होंगे बार बार अर्ली इन लाइफ में। आपको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होंगे विद न्यूमोसिस्टिस और क्रिप्टोपोरिडियम आपको होगा, और CMV वायरस होता है, इसके आपको इन्फेक्शन होंगे, ये आप बस याद कर ले, ठीक है, नॉट मच इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें ये देख लो जो मैंने अभी बताया है, नॉर्मल या फिर इंक्रीज IgM आपका होगा, ठीक है, IgG डिक्रीज हो जाएगी, IgA डिक्रीज हो जाएगी, IgE, क्योंकि क्लास स्विचिंग ही नहीं हो रही तो ये क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। फेलियर टू मेक जर्मिनल सेंटर्स, ये कौन बताएगा जर्मिनल सेंटर्स। देखें, जर्मिनल सेंटर्स में कौन से बी सेल्स होते थे, एक्टिव के साइलेंट वाले, एक्टिव बी सेल्स कौन से होते थे जर्मिनल सेंटर में, एक्टिव बी सेल्स होते थे। अब यहां पर बी सेल्स हो रही है एक्टिवेशन, बी सेल्स की एक्टिवेशन हो रही है, नहीं, सेकंड सिग्नल ही नहीं आ रहा तो बी सेल्स की एक्टिवेशन ही नहीं हो रही। जब बी सेल्स की एक्टिवेशन ही नहीं हो रही तो एक्टिव बी सेल्स नहीं होंगे, एक्टिव बी सेल्स कहां होते थे, जर्मिनल सेंटर्स में, तो आपका ये जर्मिनल सेंटर्स बनेगा ही नहीं। याद है लिम्फ नोड में हमने पढ़ा था, कॉर्टेक्स में दो होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी फोलिकल्स, याद है ना, वेरी गुड। ये इश्क आसान नहीं है MBBS का, हाँ ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और बस डूब के जाना है, तैर के जाएंगे, है फिर भी आग का दरिया, भले तैर के जाए भले डूब के जाए क्योंकि हम MBBS कर चुके हैं तो इसलिए हमें पता है कि कितना डिफिकल्ट होता है ये। चले आगे चले, विस्कट एल्ड्रिच सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें ये होता है कि जब कोई भी ल्यूकोसाइट हो या मैक्रोफेज, कोई भी, ये जब ऊपर से किसी एंटीजन को अंदर लेता है, ठीक है, तो ये एंटीजन को अंदर लेने के बाद इसने एक्सप्रेस करना होता है बाहर, क्या करना होता है इसको, या MSC क्लास के जरिए या किसी भी चीज के जरिए बाहर क्या करना होता है। अगर आपका मैक्रोफेज होगा तो MSC क्लास के जरिए एक्सप्रेस करेगा, अगर आपके ल्यूकोसाइट्स हैं, टी सेल्स हैं, बी सेल्स हैं, तो वो बी सेल्स भी एक्सप्रेस करते हैं MSC क्लास 2 के जरिए, और अगर टी सेल्स हैं तो वो आपको पता है वो लेते होते हैं, तो ल्यूकोसाइट्स एक्सप्रेस करते हैं MSC क्लास के जरिए। अगर अच्छा, इनको एक्सप्रेस करने के लिए, अंदर जो प्रोसेस करने के लिए, इनको एक पाथवे की जरूरत होती है, रोड की जरूरत होती है, रोड नीड पड़ती है, वो रोड होती है आपकी साइटोस्केलेटन एक्टिन, साइटोस्केलेटन एक्टिन, एक्टिन प्रोटीन, याद है साइटोस्केलेटन, FSC में पढ़ा होगा आपने, साइटोस्केलेटन जो होता है ऑर्गेनेल, उसमें से एक्टिन प्रोटीन होती है, ट्यूबरक्युलिन प्रोटीन होती है, फिलामेंट जो होते हैं, तो ये एक्टिन जो होती है ना, ये रोल किरदार अदा करती है इस एंटीजन की प्रोसेसिंग में और इस एंटीजन की शिफ्टिंग में, इसको यानी कि एक रोड प्रोवाइड करती है कि इसकी मूवमेंट में, कि एक साइड से इंगल्फ किया, इसको रोड प्रोवाइड किया और इस रोड के जरिए इसने इसको बाहर एक्सप्रेस किया। तो यहां पे आपका जो है ना एक वास्ट जीन डिफेक्ट आ जाता है, कौन सा जीन, ये आपका म्यूटेशन इन वास्ट जीन,
ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स दोनों अनएबल टू रीऑर्गेनाइज एक्टिव साइटोस्केलेटन, तो एक्टिव साइटोस्केलेटन को रीऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, अंदर क्या नहीं कर सकते, उसको इस तरह ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते कि वो रोड सिस्टम अपना प्रॉपर तौर पर नहीं बना सकते। तो क्या होता है, डिफेक्टिव एंटीजन प्रेजेंटेशन एक्सीलेंट रिसेसिव, तो वो जब ये रोड नहीं बनती, ये वाली तो एंटीजन को इंगल्फ तो कर लिया, वो उसको प्रोसेस नहीं कर सकते और उसको बाहर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। समझ आ गई ये बात। ये आपकी होती है विस्कट एल्ड्रिच सिंड्रोम, ये वास जीन विस्कट एल्ड्रिच सिंड्रोम जीन होता है, ठीक है। इस जीन में डिफेक्ट आएगा तो आपके जो ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स हैं वो अनएबल हो जाएंगे आपकी एक्टिन को रीऑर्गेनाइज करने में, उसको अरेंज करने में, रीअरेंज करने में, तो ये आपका डिफेक्ट आएगा, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। समझ आ गया, नहीं आया समझ, रिपीट कर दो एक बार। चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कोई नहीं। देखें वो क्या कहता है, वो कहता है देखें आपके ल्यूकोसाइट्स हो, देखें बी सेल्स के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा है कि बी सेल्स ऊपर से पॉलीसेक्राइड से क्या लेते हैं, एंटीजन लेते हैं, उसको प्रोसेस करके एमएससी क्लास 2 के जरिए एक्सप्रेस करते हैं और एमएससी क्लास 2 को टी हेल्पर सेल 2 अभी अभी हमने देखा है, ये उसको जहर करते हैं। अब वो कहता है ये जो इसने एंटीजन इंगल्फ की है वो इस एंटीजन को प्रोसेस भी करता होता है, पता है आपको, उसको प्रोसेस करता है, उसको तोड़ता फोड़ता है और टूट फूट करके उसको मूव कराता था, मूव करा के सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन पर एमएससी क्लास 2 के जरिए एक्सप्रेस कराता था, याद है। अब वो कहते हैं यही उसका, ये दो चीजें कराना, एक तो क्या उसकी प्रोसेसिंग जो कर रहा है और दूसरा उसकी ट्रांसफर, उसको ट्रांसफर कर रहा है, यहां से यहां पर ट्रांसफर कर रहा है, ये ट्रांसफर करने के लिए उसको साइटोस्केलेटन एक्टिन पाथवे नीड होता है, ठीक है, ये यहां पर साइटोस्केलेटन एक्टिन पाथवे, और उसको ये एक्टिन पड़ी होती है प्रोटीन, तो वो इस एक्टिन प्रोटीन को रीअरेंज करता है ऐसे कि अपना एक पाथवे बना लेता है, अपनी एक रोड बना लेता है। अब इसमें डिफेक्ट होगा वास जीन का, वास जीन इस एक्टिन प्रोटीन की रीअरेंजमेंट में काम आता है, जब वास जीन डिफेक्ट है तो क्या ये एक्टिन इस तरह अरेंज हो पाएंगी, ऑर्गेनाइज हो पाएंगी, नहीं, तो वो ऑर्गेनाइज नहीं होती, जब वो ऑर्गेनाइज नहीं होती तो आपके एंटीजन की ना तो प्रोसेसिंग होती है और ना ही ये बाहर एक्सप्रेस होता है, तो इस तरह ये आपको विस्कट एल्ड्रिच सिंड्रोम हो जाती है। अब समझ आ गया डॉक्टर ऐशा, समझ आ गया। चले जी, विस्कट एल्ड्रिच सिंड्रोम, ये इसके आप वाटर याद कर लें, वाटर याद कर लें, कैसे, डब्ल्यू ए से तो हो गया आपका विस्कट एल्ड्रिच हो गया, विस्कट एल्ड्रिच, ए से टी से हो गया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, आके थ्रोम्बोसाइटोसाइट जो है ना ये कम बन जाएंगे, ठीक है, एक्जिमा हो जाएगा, ये क्या होता है, हाँ, स्किन की डिजीज है, वेरी गुड, रिकरेंट पायोजेनिक इन्फेक्शन होंगे आपको, ठीक है, ये तीन चीजें आप देख लें, टर आप याद कर लें, ठीक है, क्या टर याद कर लें, ये आपको नहीं बोलना चाहिए, टी से आपका हो गया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ई से आपका हो गया एक्जिमा, और आर से आपका क्या हो गया, रिकरेंट पायोजेनिक इन्फेक्शन आपको होंगे। उसके अलावा उसी पेशेंट को इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज एंड मैलेग्नेंसी के रिस्क उसी को ज्यादा होंगे, ऑटोइम्यून के मतलब ये तो कम मतलब बात है कि अगर ऑटोइम्यून इम्यूनोडेफिशिएंसी है तो उसको ऑटोइम्यून होंगे, मैलेग्नेंसी के चांसेस होंगे। अच्छा, इसमें भी क्या होता है कि डिक्रीज टू नॉर्मल आईजीजी आईजीएम, जो आईजीजी और आईजीएम इसमें क्या होगी, कम होगी, लेकिन आईजीई और आईजीए का लेवल बढ़ा हुआ होगा, ये थोड़ा डिफरेंस है कि आईजीजी आईजीएम कम होगी लेकिन आईजीई और आईजीए का लेवल बढ़ा हुआ होगा। फ्यूअर आर एंड स्मॉलर प्लेटलेट्स, वही थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो बात की गई है वो इसमें होगा। समझ आ गया, समझ आ गया, ये मतलब आपके प्लेटलेट्स का काउंट जो है ना वो कम हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे प्लेटलेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये देखिए प्लेटलेट्स इन्वॉल्व हो रही है, बस जिनकी यहाँ पे डिफेक्ट आ जाएगा। तो अच्छा, इसमें डिफरेंस देखें कुछ चीजों का, देखें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखें, ये देखें यहाँ पे आईजीजी और आईजीएम कम है, आईजीई और आईजीए क्या है, ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे आपने एज को याद रखना है, ठीक है, आपकी आईजीजी आईजीए और आईजीई कम होगी और आईजीएम ज्यादा होगी। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, क्लास स्विचिंग नहीं हो रही, जब क्लास स्विचिंग नहीं हो रही तो क्या आईजीएम कंसेप्ट के साथ इनमें चेंज होगा, तो आईजीएम बढ़ेगा, ऑफकोर्स बढ़ेगा, और बाकी तीनों क्या हो जाएंगी, कम, खुद बता रहा है हैपर आईजीएम सिंड्रोम, ठीक है। और एक एटैक्सिया में क्या होगा, उसमें भी एज कम होती है, उसमें भी क्या होती है, एज कम हो जाती है, ठीक है। और अच्छा, सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी में भी हम कहते हैं थाइमस नहीं होता, थाइमस शैडो नहीं होता, और हमने कल पढ़ा था थाइमिक एप्लेशिया, उसमें भी आपका ये नहीं होता, तो कैसे हम करेंगे इसमें डिफरेंशिएट, पेशेंट को कैसे, पेशेंट को डिफरेंशिएट करेंगे आप, हैं,
लेकिन यहाँ पे हाइपोकैल्शेमिया, देखिए यहाँ पे थर्ड और फोर्थ, ये डाइजेस्ट सिंड्रोम है, थर्ड और फोर्थ फ्रेंजल पोचेस नहीं होती, मतलब आपका पैराथायराइड ग्लैंड भी नहीं बनेगा, हाइपोकैल्शेमिया भी इसी पेशेंट को होगा, ठीक है, और इसी का क्या थायमक शैडो भी इसका मिसिंग होगा। लेकिन क्या इसमें ऐसा कुछ है कि थर्ड और फोर्थ फ्रेंजल पेट मिसिंग हो, तो क्या इसमें पैराथायराइड ग्लैंड मिसिंग होगा? नहीं, वो तो नॉर्मल होगा। तो आपको यहाँ पे टैटनी, उस पेशेंट को टैटनी नहीं होगी, इस पेशेंट को टैटनी नहीं होगी, इस पेशेंट को हाइपोकैल्शेमिया नहीं होगा, इस पेशेंट को हाइपोथायरायडिज्म नहीं होगा, जबकि उसको क्या होगा, थायमक एप्लेशिया को थायमक का शैडो मिसिंग होगा, इधर भी थायमक का शैडो मिसिंग है, उधर भी मिसिंग है। डिफरेंशिएट क्या है कि थायमक एप्लेशिया वाले को क्या होगा, क्या होगा, हाइपोकैल्शेमिया होगा, टैटनी होगी और हाइपोथायरायडिज्म होगा, और इसको ये चीजें नहीं होगी। इसको बल्कि क्या होगा कि जर्मिनल सेंटर ये टी सेल्स काउंट कम है, ठीक है। तो आई होप सो दैट कि आपको ये समझ आ गई होंगी, ठीक है। लेक्चर मेरे ख्याल में लंबा हो गया, इसको यहीं पे सेव कर लेते हैं, फिर अगली जो रहती है। अच्छा, ये कौन सी थी? ये थी बी सेल और टी सेल दोनों के डिसऑर्डर्स, इकट्ठे डिसऑर्डर्स हो रहे हैं डिजीज में। समझ आ गया? इसमें कुछ समझ ना आया हो, मैं देख लूं कोई चीज रह ना गई हो। आई होप सो दैट कि सब कुछ आ गया, ठीक है। मैं इसको सेव कर लूं, फिर अगला स्टार्ट करूं।